वो ही काम किया आ बैल मुझे मार तो इन्होंने छेड़ दिया वो खुद ही छेड़ा है तो अब देखते हैं प्रूफ है भाई बकायदा लाइफ के प्रूफ है क्या आप लोगों ने देखा नहीं है साफ साफ अभी आप गौर करें गौर करें ब्रिक बीनी से गौर करें इसकी चाल को गौर से देखें हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक हैं उम्मीद देखिए खैर से होंगे मजे में होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जानी जान की टोटीज छोटी छोटीज एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे और अपने खर्चे पे खुश होंगे नहीं अर्बन납 नहीं करते पे खुश होता है और कौन दे सकता है उसकी भी बात करते हैं अभी थोड़ी देर रुक के समझ आई नहीं आई आनी बिनी है पता नहीं <laughs> तो जी जनाब वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दें क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो जनीज <laughs> उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी बात है वो है वाल्दैन की फरियाद गौर से सुनिएगा बहुत गौर से बहुत अहम बात है है जी जनाब वाले की फरियाद जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो सबर करना और हमें समझने की कोशिश करना जब हम कोई बात भूल जाएं हम पर तंज मत करना और अपना बचपन याद कर लेना आए। मतलब बच्चे भूल जाते हैं ना मां बाप बुलाते रहते हैं याद कराते रहते हैं नहीं करते ना वालदेन तो कहते हैं अगर ऐसा कुछ करें तो आप जो है बर्दाश्त करना और आप जो है अपना बचपन याद कर लेना जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना जब बच्चा चलता है गिर पड़ता है फिर चलता है वालदेन पकड़ लेते हैं क्या है? गिर ना जाए गिर ना जाए तो बड़ा प्यारा जिसने भी लिखा है बहुत प्यारा लिखा है अपना पहला कदम याद रखना जब माँ बाप ने चलना सिखाया था जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना जब हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करते थे बिल्कुल बच्चा जब ख्वाहिश करता है ना तो वालदेन ये नहीं कहते कि हम अपने जूते कपड़े ले लें बच्चा कोई खिलौना मांग रहा है या कोई चीज़ मांग रहा है तो हम वो पूरी ना करें नहीं माँ बाप कुर्बान करते हैं सितारा ने ना पिछले दिनों एक बात की अपनी वालदा के लिए जब वो पैरों वाली जो है मसाजर ली थी मशीन तो आ, कहा अम्मी हम जब छोटे थे तो आप भी तो हमारी ख्वाहिशें पूरी करते थे ना ओके से ओके ओके करता है बंदा तो आप भी तो करते थे हमने किया तो फिर क्या हुआ तो बड़ी अच्छी लगी बात ये मैसेज होता है आप अगर व्लॉग बनाते हैं आप अगर रिएक्शनिस्ट हैं आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो ये अच्छे अच्छे मैसेज देने चाहिए आ, गालम गुलश तो सबको आती है आती है कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती ये क्या भुला है क्या चीज़ है कुछ लोगों को आती है और अच्छी तरह से आती है ठीक है ना तो अच्छी बातें हर किसी को नहीं आती अच्छे मैसेज हर कोई नहीं देता ये बात याद रखिएगा ठीक है तो हमेशा अच्छे मैसेज दिया करें अच्छा जी हमारे पास पॉइंट हैं काफ़ी सारे उन पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले ना मैं ताहिरा सिस्टर की कम्युनिटी आई है सुबह सुबह तो वो मैं पढ़ती हूँ <coughs> जनाब ताहिरा सिस्टर कहती हैं गाली गलोज एंड बच्चों को औरतों को हरासमेंट करने वाले आ, गैंग के कुछ लोगों ने मे, मुझे डराने के लिए मुझे डराने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन को एप्लीकेशन दी है मैं आज ब्रिटिश हाई कमीशन को एप्लीकेशन दे रही हूँ एंड मंडे को खुद ब्रिटिश हाई कमीशन जाऊंगी उधर मेरी कजन होती है मैं उन लोगों से पूछूंगी कि इस तरह के गलीज लोगों को आपने अपने मुल्क में रखा हुआ है जो औरतों बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं मनी मनी लॉन्ड्रिंग करके जर्सीों से औरतों की तजलील करवाते हैं लोगों ने वही काम किया आ बैल मुझे मार इन्हों इन लोगों ने वही काम किया आ बैल मुझे मार बिल्कुल जी ताहिरा सिस्टर को इन्होंने छेड़ दिया है अब खुद ही छेड़ा है तो अब देखते हैं प्रूफ हैं भाई बाकायदा लाइफ्स के प्रूफ हैं जहाँ पे गालियाँ पड़ रही होती थी वहाँ पे स्टिकर दिए जा रहे होते थे और कहा जा रहा होता था, था वंस मोर और बोलो हम फिर आपके साथ हैं और बोलो हम आपके साथ हैं तो अब ताहिरा सिस्टर जो है ज़ाहिर सी बात है अगर ऐसी बात है एप्लीकेशन गई है ब्रिटिश आ... ऑफ़िस में तो ये लाजमी उसको जो है काउंटर करेंगी और लाजमी जो है सवाल जवाब या उसको करेंगी और ख़ास कर उनकी कज़न वहाँ पे होती हैं तो और उनको सोने पे सुहागा हो गया तो बेस्ट ऑफ लक ताहिरा जी अल्लाह ब्लेस यू आप बहुत अच्छी हैं आप बच्चों और औरतों के लिए जो है वसीला बन के आई हैं और आप बहुत ज़बरदस्त हैं हमारी दुआएँ आपके साथ हैं खुश रहो सलामत रहो अच्छा जी यहाँ पे बात करेंगे कि मैं कुछ हेटर्स की लाइव देख रही थी तो जब तो, मतलब होता है ना कमजोर पड़ते हैं ना ये लोग तो न, इनके कुछ लोग हैं वो आते हैं और वो इनको स्टिकर भारी भारी स्टिकर मारते हैं और कहते हैं कि नहीं आपने नहीं यहाँ से हिलना तो एक सिस्टर हैं उन्होंने जो है, 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 है स्टिकर मारा हुआ है किसी को और कहा हुआ हैपी दो थैंक यू वड्डी बाजी का नाम लिखा है थैंक यू वड्डी बाजी आप आई तो हमें सच पता चला जेड uh, uh, का नाम लेके फिर uh, जो है बड्डी बाजी की बहन का नाम लिखा तो कैसी है uh, कैसे है वरना न, मतलब उसकी रियलिटी हमें पता चली वो कैसी है सितारा का वो कह रही हैं कि वो कैसी है उसके uh, मैं पागल व्यूवर थी उसकी मैं पागल व्यूअर थी तो ना मुझे ना बड़ा अफसोस हुआ इनकी जहनीत पे दुख हुआ आ, मैंने कहा देखें अब मैं हूँ ना मैं मैं अगर रिएक्शन दे रही हूँ तो आप लोगों को मेरे से मोहब्बत है ना मेरे मुझे अगर देख रहे हैं मेरी चाहत में मुझे मोहब्बत करते हैं या यार नशीन जो है आ, ख़बर दे रही है मैं उसको देखने जा रही हूँ आपको कोई लेना देना नहीं है मेरी ज़ात पात क्या है ऐसे ही है ना मेरी मतलब पर्सनल लाइफ क्या है क्या नहीं है जब आपने ब्लॉग उसका देखना शुरू किया था अगला अगर वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सितारा को पढ़ना चाहिए कि इस तरह से छोटे दिल के लोग उसके जो है आ, अब सब्सक्राइबर नहीं हैं अब उसके बड़े मज़बूत और मुखलस प्यार करने वाले उसके साथ हैं ठीक है जी आ, अगर आप कहती हैं कि भाई मैं जो हूँ मैं उसकी पागल व्यूवर थी तो आपने जब सब्सक्राइब किया था तो आपने ये नहीं कहा था कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है आपको वो खुद अच्छी लगी कहानियाँ स्टोरियाँ कंट्रोवर्सियाँ वो सारी चलती रहती हैं लोग आते हैं चले जाते हैं रुक वो जाते हैं जिनको उस पर्सनैलिटी से मोहब्बत होती है या उस बंदी से मोहब्बत होती है तो इसलिए रुक जाते हैं लोग देखते हैं कि यार मुझे वो अच्छी लगती है पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है मैं उसके देखती हूँ ब्लॉग ऐसे ही मैं भी हूँ मुझे भी काफ़ी ब्लॉगर अच्छे लगते हैं मैं उनको देखने जाती हूँ मुझे कोई लेना देना नहीं है उसने घर में बर्तन तोड़े उसने ग... <laughs> जो भी किया जो भी है मिसाल दे रही हूँ लेकिन लाई लग इंसान भी नहीं होना चाहिए लाई लग मीन्स कि कोई बोले और ठोक करके आप उसके कहने पे मान गए तो ऐसे लोग खुद अनकंप्लीट होते हैं आप क्या चाहते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त बने ठीक है जी आपके साथ पाँच साल रहे चार साल रहे आपकी सहेली दोस्त जो है आपके साथ रहे और जो है क्या वो आपसे मोहब्बत करेगी या आपकी पिछली लाइफ से मोहब्बत करेगी कि आप जो है मिसबिहेव करती हैं गुस्सा करती हैं अपने हस्बैंड से भाई से आ, उनको तो कोई लेना देना नहीं है उनको तो आपसे लेना देना है ना अगर आपसे कोई मोहब्बत करती है आपकी दोस्त है बड़ी प्यारी फ्रेंड है आपकी तो भाई ये आप जो शाहरुख को मोहब्बत करते हैं या सलमान या करीना या कतरीना या कोई भी बड़े बड़े स्टार हैं अगर हम लोग उनसे मिसाल के तौर तो उन्हें पसंद करते हैं उन्हें देखते हैं तो हमें उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं उसके बाद फिल्म बंद तो उनकी पर्सनल लाइफ उनको मुबारक हमें क्या लेना देना भाई तो यही हमेरा हमेशा पॉइंट होता था और अभी भी है कि अक्ल से काम करना चाहिए लाई लग भी कोई ना हो लाई लग जो होते हैं ना वो एक कश्ती के सवार ही नहीं होते वो आगे से आगे निकल जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं वो पक्के व्यूवर्स नहीं होते पक्के व्यूवर्स आपके वो होते हैं जो आपसे वाकई अनकंडिशनली प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं और आपके ब्लॉग तक ही रहते हैं उनके घर नहीं घुसते उनके घर घुस के उनकी टटोल नहीं करते हैं समझ आ रही है ना कि आप बेड पे लेटी हैं पासा क्यों परत के लेटी हैं आप सीधी क्यों लेटी है ये ये उनकी लाइफ है भाई उसमें आप नहीं घुस सकते और वैसे भी आ, जो इल्ज़ाम उनकी बहन ने लगाया था बहन पे वही इल्ज़ाम तो उनके ऊपर भी हैं वो तो उनके पूरे ख़ानदान के ऊपर हैं उसके ससुर को तो कत्ल बना दिया चाचे ने या आप लोगों ने देखा नहीं है आप लोगों ने वाईटी पे कुछ भी नहीं देखा साफ साफ वो बंदी जो है सीधे दिखे साफ साफ अभी आप गौर करें गौर करें ब्रीक बीनी से गौर करें इसकी चाल को गौर से देखें इसके हस्बैंड की शादी हुई सबको खटक रही है आज तक पूरे खानदान को भेटों को तो खटकती ही थी सबको खटक रही है गौर से सुनिएगा मेरी बात बहुत लॉजिकल बात रखने वाली हूँ मैं ठीक है ना ये बंदी जो है सितारा जो है वो आ, उसके हस्बैंड की शादी हुई ठीक है वो हमारे रिलीजन के हिसाब से दुरुस्त है ठीक है हो गई हो गई हो चार चार भी हैं वैसे तो करने वाले कर रहे हैं लेकिन ये अलग बात है कि होता यही है कि या तो बेवा से करें ठीक है जी या बेवा से करनी होती है दूसरी शादी अगर करनी हो तो या तलाक याफ्ते याफ्ता से करनी होती है या जिनकी औलाद नहीं हो रही होती तो इस वजह से भी कर लेते हैं कि भाई मेरी औलाद नहीं है दूसरी शादी करूँगा उसमें से औलाद होती है चलो जी ठीक है उनके हस्बैंड ने शादी कर ली अपनी मंगेतर से की जो बैठी थी ठीक है जी चलो जी उसने कर ली ये ब्लॉगर थी ब्यूटिशन भी थी इसने व्लॉग बनाना शुरू किए सब ने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया रिश्तेदारों में से इनको बात बड़ी खटकी कि यार ये अचानक जीरो से हीरो बन रही है लोग गिफ्ट भेज रहे हैं बोरियां भर भर के लोग मोहब्बत दे रहे हैं पार्सल आ रहे हैं वो क्या कहते हैं यार प्रमोशन के लिए चीज़ें आ रही हैं बहुत कुछ ठीक है जी और ये अमीर होती जा रही है और ये वायरल हो गई है ठीक है और ये बात सबको खटकी पहले तो डोरे डाले पैसे लेने लग गए उसके बाद जो है आ, हा, हाथ मिलाना शुरू हो गए कहते हैं ना खलोण दी जगह दे दे बैंड दी लेटन दी मैं आप लब लवा ठीक है जी ऐसे मुनाफिक होते हैं ये लोग अच्छा फिर दूसरे को उठा देना कि तू अब निकल अब ये मेरी जगह है ये कब्जा होता है अपनी अपनी मेहनत से वो बंदा ऐसा नहीं आता ठीक है ये बात याद रखें अच्छा इस बंदी ने क्या किया इसको बुलाया इसके रेवेन्यू देखे इसकी दो महीने की सैलरी देखी फिर उस तरह से खर्चे किए आज तक जितने भी रिश्तेदार गए हैं उन पर क्यों ना खर्चे किए अच्छा जी पता नहीं क्या गिटमिट हुई देवर के साथ क्या गिटमिट हुई क्या नहीं हुई इन्होंने मुद्दा बनाया और ले आई इन्होंने कहा हस्बैंड का मुद्दा वो लाई है उसने शादी दिखाई है हालांकि वो तो हलाल काम है उसने तो इस एक्सेप्ट की शादी उसने तलाक थोड़ी ली कि मेरे साथ जुल्म हो गया हज़ारों का मिनट आते थे तलाक ले ले अपनी ज़िंदगी जे मैं मुझे समीरा जी की आज भी बात याद है उन्होंने वीडियो बनाई थी सितारा के हक़ में ठीक है जी <coughs> साजिद भाई के ख़िलाफ़ बनाई थी तो उसमें उसने एक मुद्दा रखा था उसने कहा यहाँ पे अरब में हमारी साइड पे शादी अगर कोई बंदा करके आता है ना तो चार बच्चों की माँ पांच बच्चों की माँ माशाल्लाह अरबियों के भी बच्चे काफी होते हैं उसने कहा कि वो वहां पे बंदे को देती हैं अकेली चली जाती हैं वो कहते हैं तू अपनी जिंदगी गुजार और इनको भी पाल हम तो जा रहे हैं भाई तो वो डिवोर्स ले लेती हैं फौरन मिनट से पहले वो कहती हैं हमने नहीं रहना तो ये आ, ये भी है नापसंदीदा इकदाम है अल्लाह का लेकिन ये हलाल भी है हलाल भी है ये काम तो ठीक है जी यहाँ पे ये हलाल काम था इन्होंने जो है सितारा ने एक्सेप्ट किया हस्बैंड की शादी को बहन ने क्या किया इल्ज़ाम लगा दिया उसी पे कि इसको पकड़ो इस तरीके से पहले उससे पैसे शैसे की डिमांड की कई करोड़ से ऊपर कुछ फिर उसके बाद जब वो ना मानी घर की घर की भी स्टोरी रखी इसके हस्बैंड ने कभी पैसे वो घर शर लिया है उसने आगे बढ़ती जा रही है वो कहती है मुझे भी अब सामने आने दे पहले अपने हाथ ग्लव वाले दिखाती थी <laughs> फिर बच्चे दिखाना शुरू हो गई फिर खुद आना शुरू हो गई नकाब पहन के फिर अब कहती है मैंने नकाब उतारनी है भाई नकाब उतारनी है उसके व्यूज आ रहे हैं मेरे तीन हजार आ रहे हैं तो उसने इस बंदे पे ही इल्ज़ाम लगा डाला पहले बंदा नहीं मान रहा था जैसे मिलियन व्यूज गई दो चार वीडियो पागल हो गए ये लोग और इन्होंने जो है हस्बैंड को अपनी उसमें ले लिया अच्छा <laughs> ये कॉपी की बात कर रही हूँ सॉरी <laughs> अच्छा उसके बाद जो है इसने भी हसबैंड पे वैसे ही मतलब वो कैश कराने की कोशिश की कि सितारा ने करवाया मैं भी करवाती हूँ भाई उसका तो हलाल काम था उसने तो हलाल निकाह किया था आप भी करवा देती है? आप भी करवा देती लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहन पे ही इल्जाम लगाया मोटी सामी है फेमस पर्सनैलिटी है लोग पागल हैं इसके पीछे चलो भाई इसको पकड़ो ठीक है ना और जिनके बंदे खराब होते हैं ना अगर हमारे मर्दों को कोई एक मैसेज भी भेज दे ना बंदे का गला पकड़ती हैं हम वो पीछे नहीं जाती कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना 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 घर के बंदे से पूछो तू ब्लॉक क्यों ना कर सका तूने उसको उससे बात क्यों की हमारा तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारा घर का बंदा सही नहीं है हम तो दूसरों को ब्लेम ही नहीं करते लेकिन यहाँ पे थर्टी परसेंट लेके आ गई अच्छा हस्बैंड को बदनाम किया और उसी हस्बैंड के साथ भी रहती है और बहन हस्बैंड को बदनाम करके फिर गले लगा लिया आ सीने नल लग जा ठा कर के अच्छा ये बंदी को मैं जवाब दे रही हूँ ये जो भटके हुए लोग हैं मुझे पता है ये भटके हुए ही रहने हैं लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ आ रही शायद आ भी जाए अच्छा उसके बाद जो है सितारा ने घर तब्दील किया घर तब्दील किया इन्होंने सोचा यही था कि सितारा जाए जहां से है वहां जाए भाई खत्म इसकी कुर्सी हम बैठेंगे उस इस इसकी कुर्सी की तरफ और इसके सब्सक्राइबर हमारे पास आएंगे हम वायरल हो जाएंगे लेकिन ठूठू हुआ कुछ भी नहीं हुआ आज तक कंट्रोवर्शियल जब तक थंबनेल ना लगाए कोई भी नहीं जाता सीधी सी बात है अच्छा उसके बाद जो है जो इसके साथ मिले वो भी जीरो पे चले गए अच्छा सितारा ने घर तब्दील किया अभी 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 पे आ जाते हैं मुख्तिर चीजें बता रही हूं बहुत गहराई में जाऊं तो फिर बहुत सारी बातें हैं ये याद रखें अच्छा उसके बाद जो है ये कहाँ का अच्छा ये भी कहाँ का इंसाफ है कि आपके घर कोई बंदी आती है आप उसकी इज्जत लूटते हैं और बाद में लोगों को आप बताते फिरते हैं कि मेरे घर कोई आई थी मैंने उसके साथ ये किया था अगर ये सितारा फेमस ना होती ये बंदा आता यहाँ पे बोलता आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है ये बंदा आता बोलता कोई नसरीन परवीन होती सॉरी यार कोई भी होती कोई भी होती मतलब मिसाल दे रही हूं खाली मतलब जो आप मुझे देख रही हैं आपका नाम नहीं है तो खाली मत, वैसे ही बा, बात बता रही हूं कोई भी होती है बीज मालो कोई भी होती तो इन्होंने इस बंदे ने आके बताना था यहाँ पे कि मैंने ये किया कभी भी नहीं कभी भी नहीं फिर बातें करते हैं बेवकूफ़ी की यार इंतहा है अच्छा जी ऐसे कमज़ोर लोगों को वैसे भी जो है ना छोड़ के ही जाना चाहिए था जो होते हैं ना आ... वाकई सच्चे मोहब्बत करने वाले वो जो हैं रुके हुए हैं वो खालिश मोहब्बत करने वाले लोग हैं उसके साथ बाकी जो कम अकल लोग हैं लई लक लोग हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं तो वो जो है आपकी तरह आप जो है सिर्फ एक बंदे को गुनाहगार बता रही हैं और जो बंदा उसके पास बैठा है बड़ी बाजी के वो आपको सही लग रहा है कमाल है आपकी च्वाइस को कमाल है हमेशा यही क्यों हुआ है हमेशा औरत ही क्यों बदनाम होती है भाई मर्दों को जूते क्यों नहीं पड़ते उनकी हरकतों पे हैं क्यों नहीं पड़ते अच्छा यहां पे जो है इस आ, सितारा ने घर तब्दील किया इस्लामाबाद इसने भी घर तब्दील किया सेम वैसे कंटेंट बनाया सितारा ने शादी की शॉपिंग की इसने सेम शादी की शॉपिंग करना शुरू कर दी सितारा ने फर्नीचर लिए इसने भी वैसे ही फर्नीचर देखना शुरू किए हालांकि पहुंच नहीं पा रही लेकिन कॉपी करती है बेशक सेकेंड हैंड ही ले रही है चीजें सितारा ने गाड़ी ली इन्होंने भी गाड़ी ले ली और तंग कर रही थी रुक रही थी बंदा थोड़े से पैसे ला के बनवा ले लेकिन कंटेंट बनाना है भाई अभी तो ये साथ वालों को कह रहे थे नाना शाना को क्या हमारे पास पैसे ही नहीं है और आप गाड़ी भी बेच रहे हैं सामान भी ले रहे हैं फर्नीचर न्यू न्यू एक्सपेंसिव है? ये कॉपी कॉपी चल रहा है भाई ये कॉपी कॉपी चल रहा है जो सितारा व्लॉग बनाती है उसके चार पांच दिन बाद लेट जाती है लेकिन करती सेम वैसा ही है तो बात ये है कि जो शरीफ औरतें होती हैं ना वो फिर गैर मर्दों से बातें नहीं करती ये गैर मर्दों से बातें करती रही हैं इन्होंने अपनी वॉइसिस खुद जो है लीक करवाई हैं क्यों भाई आप लोगों की नजरों में मर्द ने सही किया मर्द को मारा ना जूते कि अपनी बहन बेटियों पे नजर डालते हो गंदी नजर डालते हो कोई हजार गंदी ही क्यों ना हो तुम लोग मुखलिस क्यों नहीं हो अपने बच्चों से बीवियों से लेकिन ना जी ना जितना अकल होगी आप लोगों के पास आपने उतनी ही इस्तेमाल करनी है तो ऐसे नहीं करते मेरी जान ऐसे नहीं करते आपका कमेंट देख के मुझे दुख लगा है। आप किसी के लिए ऐसे कैसे सोच सकते हैं उसके बच्चों का क्या कसूर है उसका क्या कसूर है क्या यहाँ पे सारे फरिश्ते पैदा हो गए हो क्या यहाँ पे सारे फरिश्ते ही पैदा हो गए हैं बताओ ना जरा जिनको मोहब्बत होती है ना मैंने मिसाल दे दी है आ, ये सोशल मीडिया है अभी कैमरा बंद हो जाए आपको क्या लेना देना मेरी जिंदगी से कोई है भी या नहीं भी बात तो वही है ना तो भाई ये गलत आप लोग सोच सोचते हो अच्छा जी डीडी ने कहा डीडी पे आते हैं डीडी ने कहा कमेंट वालों ने इंतहा कर दी है भाई ये मेरी वालदा को मेरी अम्मी की जगह कमेंट अजीब से उनको आए हैं कोई आ जाते हैं भाई हर तरह के आते हैं क्यों नहीं आते आ, आपकी अम्मी की तलाक करा के वो खुद ग़ुलाम के साथ करना चाहती थी शादी इसलिए जो है तेरी माँ गुलाम के साथ रह रही थी ये किसने भी किया है घटिया कमेंट किया है बहुत गलत बात है किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए बेशक वो बीना हो बेशक कोई भी बंदी हो सही है जी बेशक कोई भी बंदी हो और वो उसके बाप की जगह है वो चच्चा कहती है चचा बाप होता है समझ आई ना तो ये बड़ी ने जो गंदा डाला है ना वो गंद अब खत्म ही नहीं हो रहा गंदा तो वडी ने करवाया बड़ी बाजी ने करवाया ना ये गंदे वाला जो ये कंटेंट लाई थी हैं तो लोग ना अब जहन में वही हर वेले बिठाए बैठते बैठते हैं जेड हर वेले दिमाग में जेड ही बिठा के रखते हैं ये लोग तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई खुद का भी अकल दिमाग काम कर लेना चाहिए लेकिन यहाँ पे डी डी पे भी मैं हैरान हूँ कि भाई हमें दुनिया जहान के गंदे कमेंट आते हैं ठीक है जी लेकिन हम वो नहीं पढ़ते हैं। वो नहीं पढ़ते हैं। एक दो इस तरह के जो लोग उन्हें ब्लॉग मारो ठीक है लेकिन आपके पास ब्लॉग ही नहीं था आप आपने व्लॉगिंग की ही नहीं है तो आपने जो है आ, ब, बना दिया ये पाँच मिनट का रिएक्शन आगे म्यूजिक चला दिया आपने कि अच्छा कवर हो जाएगा दस मिनट का तो आपकी भी सोच को सलाम है भाई यहाँ तक कि आपकी सोच है यहाँ तक की सोच है ये कमेंट पढ़ने वाला ही नहीं था भाई आप क्या मैसेज दे रहे हैं वो तो हेटर तो हेटर हैं हेट करने वाले तो हेट करते हैं जिसने भी किया गलत कमेंट किया मैं तो कभी भी इस चीज़ के जो है सपोर्ट में नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ जो है बाबे की जदाद हथियाना चाहती है तो भाई बाबे के पास जदाद होती तो वो ब्लॉग के लिए पागल हो रहे होते कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा एक अद प्लाट बचा है वो भी पता नहीं कहाँ लेके जाएगा वो यही उम्र है खाओ पियो जान छोड़ो मेहमान है दुनिया में यार अपनी जान को क्या तरसाना कितने साल जी लवागे कितने साल के होते हैं हम इंसान कोई बताएगा सौ तक कोई इक्का दुक्का ही जा रहा है सौ तक नहीं पहुंच पा रहे हम ये याद रखें सौ की गिनती पूरी नहीं होती उससे पहले कड़ुम हो जाते हैं वैसे तो ज़िंदगी मौत कभी भी आ सकती है कभी भी मौत आ सकती है वो उसके लिए उम्र नहीं है वैसे ज्यादातर रेशो देखा जाए तो ऐसे ही होता है ठीक है जी अच्छा ये जिसने भी कहा है कि उसने कहा है कि भाई तेरी अम्मी जो है जदाद हथियाने के लिए जो है तेरे अब्बा के साथ रह रही है तो अब अस्त तक फिर उल्ला माफ़ करे अच्छा जी उसके बाद जो है बाप बेटी का रिश्ता भी ख़राब किया इन्होंने कुछ भी उनका सतीला बाप है उधर से बड़ी बाजी ने सुतेली मतलब सुतेली बहन हो गई ना अजगर की अजगर सुतेली बहन पे बातें करता फिर रहे इधर से ये तो है भाई, भाई अल्लाह माफ़ करे अच्छा बाकी इन्होंने कहा कि मेरी नानी ने रोका था मेरी नानी ने ही बुलाया था नानी ने कहा तुम रुको और जो है मैं अभी आती हूँ शादी से होके तो मेरी माँ इसलिए रह रही थी लेकिन अब पता चला साजिद ने वीडियो बना दिया कि भाई अब हमारा जो है बाबा जी से कोई लेना देना नहीं है हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया है जब साजिद ने अब ये कह दिया तो मैं तो खुद हैरान हूँ नजमा ने भी केस कर दिया बाप पे साजिद ने भी वीडियो बना के चाचे को डिसऑन कर दिया है तो हम तो खुद हैरान परेशान है कि भाई ये हो क्या गया तो भाई ये यही हुआ है कि जो वीडियो बाबा जी ने बनाई है वो गैर अखलाकी वीडियो थी सही नहीं थी औरतों के लिए बहुत गलत बोला है और बाकायदा शादी को उसने टारगेट करने की कोशिश की है जिससे एक बच्ची की शादी हो रही थी और वो खराब करने की कोशिश कर रहा था कोई खर दिमाग लोग होते हैं उन्होंने फ़ौर ही सेहरा उतार फेंकना था और निकल आते जैसे वो उस दिन निकाह हो रहा था निकाह के टाइम ये वीडियो बनाई गई है ये याद रख के डाली गई है <coughs> तो इसलिए आप ऐसे मर्द को तो कोई भी नहीं आने जाने देगा कि भाई ये तो की बेटी पे बात कर सकता है और वो जो दूल्हा है वक़ार उसकी वालदा पे ये बात कर सकता है जिसको बहन बनाया हुआ था तो ये लोग तो किसी के नहीं है फिर ये तो हमारे भी नहीं है तो हमारे खिलाफ़ भी बना देंगे वीडियो समझ आ रही है ना ये था साजिद का तरीका इसलिए उसने डिसऑन किया जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है जी बहुत अच्छा किया है ये कल को जो है ये जैसे आराम आराम से चीज़ें सितारा का ब्लॉग जो है वो एड्रेस लीक करना फिर जो है बार बार चीज़ें बताना ये वो और ऑलरेडी इनकी एट कुत्ते का वैर चल रहा है भाई आपस में सारे रिश्तेदारों का तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, में फंस सकती है सितारा तो भाई अब अवेयर अवेयरनेस ज़रूरी है ठीक है जी तो खैर उन्होंने बाबा ने सितारा और साजिद को भी टारगेट किया कि उनके घर में शादी ना हो मेन पॉइंट ये भी है सितारा और साजिद का दुख ये भी है कि अब्बा जान हमारे किए किराए पे भी पानी फेर रहे थे ठीक है थे नहीं है बल्कि अभी भी हैं। अच्छा जी यहाँ पे हम बात करेंगे बीबी की बीबी साहब कहते हैं कि जो है हाँ हमारे घर जो है खुशखबरी आने वाली है हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है बीबी के घर और बीबी के घर में चंद ही कुछ महीनों में कहते हैं मैं बहुत महीने चुप रहा लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में मीर का बहन या भाई आने वाला है अगर बेटी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मैंने तो बहुत छुपाने की कोशिश की लेकिन वही लेडीज़ हैं व्लॉग में देखती हैं तो वो पहचान जाती हैं तो इसलिए जो है मेरी बीवी को मतलब देख लिया है लोगों ने तो उन्होंने कहा भाई तुम तो माँ बनने वाली हो तो इसलिए जो है मैं आज रवील कर रहा हूँ कि हमारे घर नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है तो मेरे दो बेटे हैं अब बेटी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है चलो मेरे घर भाई बेटी आ जाएगी तो ये जी जनाब बीबी के घर खुशखबरी आने वाली है अल्लाह जिनकी औलादें नहीं हैं अल्लाह ताला उनको भी नेक और साल अता फरमाए और मुझे भी आज सुबह सुबह मैसेज आ गया है अपनी फैमिली की तरफ से उनके घर भी खुशखबरी आने वाली है अल्लाह ताला उन लोगों को बेटा अता फ़रमाए आमीन सुमा आमीन जिनको बेटी चाहिए उन्हें बेटी मिल जाए जिनको बेटा चाहिए उन्हें बेटा मिल जाए तो अस्सीते हो गए फ्री भाई तो फ्री हो गए <laughs> अल्हम्दुलिल्लाह जितने अल्लाह जिंदगी वाला दे जिंदगी इन इनको मेरे बच्चों को आमिन सुम आमीन तीन बच्चे बहुत ही अच्छे ठीक है जी और बाकी जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़